अब खाताधारक की मृत्यु होने के बाद बैंक अकाउंट का जितना भी पैसा होगा वो नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। देश में नया कानून लागू हो चुका है और किसी भी खाताधारक की मृत्यु होने के बाद ये पैसा अब नॉमिनी को ट्रांसफर ना होकर सीधा का सीधा सरकार को। यहां पर मैंने कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट से ये डिफरेंस उठाया हुआ है, आप किसी भी बैंक की वेबसाइट में जाकर ये चेक कर सकते हैं। और उसकी डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट का पैसा उसके डायरेक्ट फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर किया जाएगा, वो उन सभी का इक्वल पार्ट में हिस्सेदारी बनेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जब भी हम किसी वित्तीय स्कीम की बात करते हैं, कहीं पर भी हम पैसे निवेश करते हैं, फिर वो चाहे कोई बैंक अकाउंट हो या फिर कोई पीपीएफ अकाउंट हो, पीएफ अकाउंट हो या फिर इंश्योरेंस प्लान हो, कहीं पर भी जब हम अपने मनी की बात करते हैं, पैसे निवेश करने की बात करते हैं, तो हमें वहां पर एक चीज दिया जाता है, एक ऑप्शन दिया जाता है, नॉमिनी का ऑप्शन। और नॉमिनी को फाइल करते समय हम अपने दिमाग पर यह चीज रखकर फाइल करते हैं कि सपोज करिए कल के दिन अगर पॉलिसी होल्डर की, अकाउंट होल्डर की या निवेशकर्ता की मृत्यु हो गई तो ये जो पैसे हैं ये यथावत तरीके से नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी कि नॉमिनी को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि अब ये पैसे खाताधारक की मृत्यु होने के बाद नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे बल्कि ये पैसे बेनिफिशियरी को ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि नॉमिनी अब खाताधारक की मृत्यु होने के बाद बैंक के पैसों का उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देश में नया कानून इंप्लीमेंट हो चुका है और इस नए कानून के बाद अब बैंक अकाउंट या खाताधारक की या निवेशक की मृत्यु होने के बाद जो भी पैसे का उत्तराधिकारी होगा वो नॉमिनी नहीं होगा बल्कि बेनिफिशियरी होगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी किए, जिन लोगों को चीजें समझ में आ गई थी, और जिन लोगों को समझ में नहीं आई है उन लोगों ने तो खैर अपनी अपनी राय दी, गालियां भी बहुत सारी मिली। खैर गालियां देने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। तो आज की इस वीडियो में इस नए कानून को जानेंगे और जानेंगे कि क्या अकाउंट होल्डर की डेथ होने के बाद पैसे नॉमिनी को क्यों नहीं ट्रांसफर किए जाएंगे और किसको पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, क्या ये पैसे सारे गवर्नमेंट के अंडर में चले जाएंगे, क्या सरकार इन सारे आपके पैसों को खा जाएगी। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, ए टू जेड क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि जो भी उत्तराधिकारी होते हैं किसी भी चीज को या प्रॉपर्टी को लेकर वो क्या कहलाते हैं। देखो, जब भी हम नॉमिनी की बात करते हैं तो नॉमिनी को आदमी ऐसे रजिस्टर कराता है कि मेरी मृत्यु होने के बाद अगर अचानक मृत्यु हो गई तो मेरी संपत्ति इस आदमी को ट्रांसफर कर दिया जाए। नॉमिनी आदमी ये सही है कि उसी को कराता है जिस पर वो भरोसा करता है, जिसको वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है, जैसे कि उसकी पत्नी हो गई, उसका पिता हो गया, उसका पुत्र हो गया या फिर उसकी माता हो गई। मोस्ट मेजरली आप देखेंगे कि यही लोग नॉमिनी के तौर पर रजिस्टर किए जाते हैं। कई सारे लोग अपने भाई को भी और सिस्टर को भी नॉमिनी रजिस्टर करा देते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी पर पहला अधिकार किसी आदमी की मृत्यु के बाद उसके फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों का होता है। और जब फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों का की बात आती है तो अभी मैं एक चार्ट दिखाता हूं कि उसमें किन किन लोगों को इंक्लूड किया गया है कानून के बाद। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार उत्तराधिकारी चार प्रकार के होते हैं। किसी भी आदमी की मृत्यु होने के बाद या किसी आदमी के जीते जी उसके चार उत्तराधिकारी वैलिड हो सकते हैं। पहले होते हैं फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी, दूसरे होते हैं सेकेंड क्लास के उत्तराधिकारी, तीसरे होते हैं थर्ड क्लास के उत्तराधिकारी और चौथे होते हैं फोर्थ क्लास के उत्तराधिकारी, जिन्हें एग्नेट कहा जाता है। ठीक है, इन चारों का प्रॉपर्टी पे अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग अधिकार होता है। अब यहां पर अगर हम उत्तराधिकार की बात करें तो जब भी उत्तराधिकार की बात आती है फर्स्ट क्लास के, तो अगर कोई एक मेल हिंदू है और उसका किसी बैंक अकाउंट में पैसा है, उसका किसी कोई प्रॉपर्टी है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट का पैसा उसके डायरेक्ट फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर किया जाएगा। फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों में मोर देन वन विडो, यानी कि अगर उसकी कोई विधवा है, एक से ज्यादा विधवा है, तो सबको इक्वली पार्ट ना मिलकर एक बराबर पार्ट एक को दिया जाता है, उसमें से वो पार्ट डिवाइड होता है। इसके बाद सन, डॉटर और मदर का उस पर अधिकार होता है और प्री डिसीज्ड सन और डॉटर का अधिकार होता है। और अगर प्री डिसीज्ड का मतलब जो भी उसके पुत्र मर चुके हैं या पुत्री मर चुकी हैं तो उनके जो पुत्र पुत्रियां होंगे उनका अधिकार होगा और सबको ईच वन इक्वल शेयर यहां पर प्रदान किया जाता है। अगर इसके फर्स्ट क्लास के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि ना तो उसकी कोई विधवा पत्नी है, ना तो उसका कोई पुत्र है, ना उसकी माता है, ना तो उसका कोई मृतक पुत्र या पुत्री है, ऐसे सिचुएशन में सेकेंड क्लास के उत्तराधिकारियों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। सेकेंड क्लास के उत्तराधिकारियों में भाई, बहन और पिता यहां पर इंक्लूड होते हैं। अगर सेकेंड क्लास के उत्तराधिकारी भी नहीं है,
ऐसी सिचुएशन में संगोत्री को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, जिसे एग्नेट्स कहा जाता है। संगोत्री कौन कहलाते हैं? जो कि एक ही ब्लड से रिलेटेड होते हैं लेकिन डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होते, जैसे कि आपके दादा परदादा से जो रिलेटेड होते हैं तो उनको कहा जाता है एग्नेट्स। लेकिन अगर यहां ये भी नहीं है तब फिर कोग्नेट्स को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी। तो कोग्नेट्स तक तो कभी मामला पहुंचता ही नहीं है, बहुत रेयर मामले में फर्स्ट क्लास में और सेकेंड क्लास में ही मामला छूट जाता है। इसी चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जब भी हम बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो बैंक अकाउंट में सक्सेशन एक्ट इंप्लीमेंट होता है, यानी कि अगर किसी बैंक अकाउंट होल्डर की, खाता धारक होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बैंक अकाउंट का पैसा नॉमिनी को ट्रांसफर ना होकर बेनिफिशियरीज को ट्रांसफर किया जाता है। बेनिफिशियरी कौन कहलाते हैं? जो कि उसके फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी होते हैं, जो उसके लीगल हेयर होते हैं उन्हें कहा जाता है फर्स्ट क्लास का उत्तराधिकारी, उसको प्रॉपर्टी या फिर बैंक अकाउंट का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। नॉमिनी की अगर हम बात करें तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट में एक ट्रस्टी के रूप में रजिस्टर्ड होता है। अब अगर आप अपने पुत्र को बैंक अकाउंट में नॉमिनी के तौर पर रजिस्टर कर रहे हैं तो वो बेनिफिशियरी भी होगा और एक ट्रस्टी भी होगा, लेकिन वो उस बैंक अकाउंट के पैसे का पूरा हिस्सा खाने का या फिर उपभोग या उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, बल्कि जितने भी आपके पुत्र होंगे, आपकी पत्नी होंगी, आपकी पुत्रियां होंगी, वो उन सभी का इक्वल पार्ट में हिस्सेदारी बनेगी। सिर्फ जिसको आपने पुत्र को एक रजिस्टर करा दिया, ऐसे समझिए कि अगर ए नाम का एक कोई आदमी, ए नाम का कोई बंदा अपने बैंक अकाउंट में अपने सी नाम के लड़के को एज ए नॉमिनी रजिस्टर कर दिया, लेकिन इसके चार पुत्र और भी हैं जिनमें बी और एक डी भी है और इसकी एक पुत्री भी है ई और इसकी एक पत्नी हम मान लेते हैं एफ, तो ऐसे सिचुएशन में अगर सी रजिस्टर्ड है नॉमिनी के रूप में तो सिर्फ ये बैंक अकाउंट इसके मरने के बाद एक उपयोग या उपभोग करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, यहां पर इन चारों लोगों का अधिकार होगा। तो नॉमिनी भले ही रजिस्टर्ड है लेकिन पैसा इन चारों आदमियों को बराबर पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि भले ये नॉमिनी के रूप में रजिस्टर्ड है इसका भी अधिकार है लेकिन ये फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी है और फर्स्ट क्लास उत्तराधिकारी की श्रेणी में ये भी आता है, तो जो शेयर होगा वो चारों पांचों के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। ये एक ट्रस्टी के रूप में काम करेगा, इसका ये अधिकार है कि इस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखे जो भी अकाउंट होल्डर है और उसकी प्रॉपर्टी को उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर कर दे। अब जब यहां पर बात आती है तो लोगों के मन में नॉमिनी को और बेनिफिशियरीज को लेकर कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है और इसी चीज को लेकर गालियां खानी पड़ती है मेरे को। यहां पर मैंने कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट से ये डिफरेंस उठाया हुआ है, आप किसी भी बैंक की वेबसाइट में जाकर ये चेक कर सकते हैं, गूगल पे आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं इज नॉमिनी लीगल बेनिफिशियरी, और आप ऐसा टाइप कर सकते हैं कि क्या नॉमिनी किसी भी चीज का उत्तराधिकारी और रियल उत्तराधिकारी या ऑनर होता है, ऐसा आप टाइप करके देख लीजिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट से मैंने उठाया है, ये डिफरेंस देखकर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। पहले आप मीनिंग में देखिए, ए बेनिफिशियरी इज द पर्सन और एंटिटी हु विल रिसीव द फंड और बेनिफिट इन केस ऑफ एन इवेंट सच एन अकाउंट होल्डर डिमिस, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई हिंदी में इसको समझे तो एक बेनिफिशियरी एक ऐसा आदमी होता है जो कि किसी भी अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने के बाद उसके पैसों का उपयोग और उपभोग करने के लिए वैलिड उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है, उसे कहा जाता है बेनिफिशियरी कानूनी रूप से। दूसरा होता है नॉमिनी, तो ए नॉमिनी ऑन द अदर हैंड इज ए पर्सन designated by the account holder to receive the asset of fund event of death. तो एक nominee ऐसा आदमी होता है जो कि fund को account holder की death होने के बाद receive करने के लिए, उपयोग करने के लिए नहीं, उपभोग करने के लिए नहीं, receive करने के लिए उत्तराधिकारी होता है। अभी आगे और देखिए चीजें आपको clear हो जाएंगी। role यहां पर देखिए, role की जब बात आती है, the beneficiary is entitled to claim the fund or asset and has legal right to them. उस पर, उसकी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार बेनिफिशियरी का होता है। लेकिन यहीं पर दूसरे हैंड में अगर नॉमिनी की बात करें तो नॉमिनी एक्ट एज ट्रस्टी एंड होल्ड द एसेट ऑफ फंड ऑन बिहाफ ऑफ द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड अकाउंट होल्डर, यानी कि नॉमिनी जो होता है वो एक ट्रस्टी के रूप में रजिस्टर्ड होता है बैंक अकाउंट में, जो कि लीगल हेयर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए बाध्य होता है अगर वो कानूनी रूप से चैलेंज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि अगर किसी एक अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट पर एक लड़का रजिस्टर्ड है नाम पर और उस अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो उस अकाउंट होल्डर की पूरी प्रॉपर्टी उस एक लड़के को बस ट्रांसफर नहीं होगी, भले वो नॉमिनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, पूरी प्रॉपर्टी बाकी के और भी उत्तराधिकारी जो फर्स्ट क्लास के हैं सब में इक्वल पार्ट में डिवाइड की जाएगी। तो नॉमिनी एक ट्रस्टी के रूप में एक
केयर टेकर के रूप में अकाउंट में रजिस्टर किया जाता है। तीसरा यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी की यहाँ पर जब बात आती है, इन बैंक अकाउंट द बेनिफिशियरी नेम इज स्पेसिफाइड एज द रेसिपिएंट और फंड एंड दे हैव ऑनरशिप और राइट। यहां पर डायरेक्ट ऑनरशिप की बात की जाती है, जो बेनिफिशियरी होता है वो डायरेक्ट ऑनरशिप की बात करता है, उपयोग करने की बात करता है, उपभोग करने की बात करता है। वेयर एज जब हम नॉमिनी की बात करते हैं, ए नॉमिनी इन बैंक अकाउंट इज समवन चूजन बाय द अकाउंट होल्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ एसेट बट डज नॉट हैव ओनरशिप राइट। यहां पर देखिए क्लियर रूप में डज नॉट हैव ओनरशिप राइट, मतलब कि एक नॉमिनी एक बैंक अकाउंट होल्डर अपने बैंक अकाउंट में एक बैंक अकाउंट होल्डर इस बात के लिए नॉमिनी अपॉइंट करता है कि उसकी मृत्यु होने के बाद उसके पैसे की देखरेख हिफाजत और उसको लीगल हेयर को ट्रांसफर करने के लिए उसे नियुक्त किया जा रहा है। यहां पर अकाउंट बेनिफिशियरी में अकाउंट पे चेक में भी यही चीज इंप्लीमेंट सेम होती है, नॉमिनी एक पेई के रूप एक ट्रस्टी के रूप में एक्ट करता है जबकि जो बेनिफिशियरी होता है लीगल हेयर के रूप में एक्ट करता है। अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो में गालियां तो नहीं मिलेंगी। तो जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी पैसे का उत्तराधिकारी हो सकता है, वो बेनिफिशियरी भी हो सकता है, बेनिफिशियरी भी नॉमिनी हो सकता है और वो भी पैसे का उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन नॉमिनी को ये पावर नहीं है कि वो पूरा पैसा हजम कर जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक शरबती देवी का केस था, इसमें रेफरेंस मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था। जब उसके एक बेटे की डेथ हो जाती है तो उसकी मां करती है पूरा क्लेम ले लेती है बेटे का, जबकि सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करते हैं उनकी पत्नी जब क्लेम करती है कि हम मेरा और मेरी पुत्र पुत्रियों का भी इसमें अधिकार है, इस पैसे को सिर्फ मेरी सास के द्वारा ले लिए गए, तब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, यहां पर जो पैसा है फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारियों में ट्रांसफर किया जाएगा, तो सरस्वती देवी को उन पैसों को उनके नाम पर भी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इस प्रकार का बेनिफिशियरी और नॉमिनी में ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं तो इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई बैंक अकाउंट होल्डर जिसकी डेथ हो गई है, वो डेथ होने से पहले अगर अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे का वसीयत के रूप में किसी को बेनिफिशियरी नियुक्त कर देता है, जैसे कि वसीयत कर दिया, सपोज करिए कि एक ए पर्सन है, इस ए पर्सन की डेथ होती है, ये डेथ होने से पहले एक विल एग्जीक्यूट करता है और इस विल में ये बी नाम के आदमी को बेनिफिशियरी नियुक्त कर देता है कि मेरी मृत्यु होने के बाद मेरे बैंक अकाउंट का पैसा या मेरी प्रॉपर्टी जिस पर मेरा पूर्ण अधिकार है, मेरे फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकार, मेरी स्वार्जित संपत्ति है ये, तो मैं बी को अपॉइंट करता हूं अपना बेनिफिशियरी, मेरी मृत्यु के बाद मेरी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बी होगा। तो ऐसे केसेस में फिर प्रॉपर्टी उसी को ट्रांसफर की जाती है जिसके नाम पर वसीयत होती है। ये फर्स्ट अपवाद हो गया, यानी कि एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट। एक्सेप्शन नंबर टू की बात करें तो एक्सेप्शन नंबर टू है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट की बात है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 में क्या है, जो बेनिफिशियरी जो नॉमिनी होगा वही बेनिफिशियरी होगा। यहां पर बेनिफिशियरी और नॉमिनी को एक रूप में आंका जा रहा है, मतलब कि जो भी यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसे मैंने आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट से उठाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज पर इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015, इफ यू सेलेक्ट योर इमीडिएट फैमिली मेंबर लाइक योर स्पाउस चिल्ड्रन और पेरेंट एज द नॉमिनी, सो फॉर योर इंश्योरेंस प्लान दे विल बी बेनिफिशियरी। यहां पर देखिए एक ये लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दे विल बी बेनिफिशियरी एंटाइटल्ड टू रिसीव द क्लेम अमाउंट ओवर एनी लीगल हेयर। किसी भी लीगल हेयर के ऊपर वही आदमी इलिजिबल होगा जिसको आपने इंश्योरेंस में एज अ नॉमिनी रजिस्टर कर दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम वसीयत और इंश्योरेंस, अगर आप किसी भी जगह पर नॉमिनी को रजिस्टर करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी के रूप में आंका जाएगा, ना कि बेनिफिशियरी के रूप में। बेनिफिशियरी के रूप में फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी ही आके जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा और चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी किसी चीज पर क्लियर है डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।